वेलकम टू कॉकटेल्स इंडिया और मैं हूं गोल्डी। आज हम लोग फिर से आ चुके हैं दादा बारटेंडर के साथ और आज हम लोग कुछ नया सीखेंगे। तो दादा क्या सिखाओगे आज? आज एक ऐसा कॉकटेल सिखाएंगे जिसका नाम सुन के तुम हैरान हो जाओगे। अच्छा, बल्ले 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 सावा सावा। मैं जितना मेरा पंजाबी दोस्त को पिलाया हूँ ये कॉकटेल, वो पहला सिप लेकर बोला बल्ले 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 बल्ले। तो मैंने सोचा क्यों ना इस कॉकटेल का नाम बल्ले बल्ले रखा जाए। ठीक है, ये कॉकटेल का कॉन्सेप्ट ये है कि ये कॉकटेल तुम आराम से 70 रुपीज में बना सकते हो, सिर्फ 70 रुपीज में। मजाक नहीं कर रहे हो ना? बिल्कुल नहीं यार, 70 रुपीज जी, 70 रुपीज यानी बहुत खर्चा कम है। और सबसे वाइटल पार्ट क्या है मालूम? इस कॉकटेल को बनाने के लिए वो इंग्रेडिएंट्स मैंने चुना जो सिंपली घर में मिल जाता है, साथ साथ कोई एक्सेसरीज नहीं चाहिए बार्टेंडिंग के लिए। अच्छा। जो एक्सेसरीज होता है ना, हाँ। मान लो तुमने कोई वीडियो देखा और वीडियो देख के सोचा कि ये कॉकटेल मैं घर में जाके बनाऊंगा, और तुम जब ट्राई करते हो तो देखोगे कि उसमें जो एक्सेसरीज बार्टेंडर यूज किया है वो तुम्हारे पास है नहीं। साथ साथ क्या होता है ना, जो इंग्रेडिएंट्स तुम बार्टेंडर यूज किया है वो शायद घर में मिलता नहीं है या लोकल मार्केट में मिलता नहीं है। तो मैंने इसीलिए इंग्रेडिएंट्स भी बहुत सिंपल ढूंढा, साथ में एक्सेसरीज भी नहीं चाहिए, आराम से आप घर में बना सकते हो। तो बल्ले बल्ले को बनाया जाए, चलो शुरू हो जाए दादा। तो बल्ले बल्ले को बनाने के लिए आपको चाहिए एक शानदार ग्लास, ऐसे ओल्ड फैशन किस्म का ग्लास, अगर लंबा हो कोई बात नहीं चलेगा। साथ में आपको चाहिए वॉडका जो इस कॉकटेल को चार चांद लगाएगा, और चाहिए लाइम जूस, चाहिए एप्पी फीज। अगर आपके पास एप्पी फीज नहीं है, आप कोई दूसरा ब्रांड भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं कि आपको एप्पी यूज़ करना है, कोई भी ब्रांड चल सकता है। साथ में आपको चाहिए सेहत, सेहत यानी क्या बोलते हैं, हनी, हनी, हनी शायद, एग्जैक्टली। तो हनी चाहिए, थोड़ा सा चाहिए, और चाहिए आपको सिनेमन, जो हम लोग इसको बर्न करके डालेंगे। अच्छा। इस कॉकटेल में तो ये सिनेमन चाहिए। तो बस कॉकटेल को बनाते हैं, पहले आपको ग्लास लेना है और उसमें आपको पहले डालना है सेहत, थोड़ा सा 1 टीस्पून से भी कम, ठीक है, नहीं तो ज़्यादा मीठा हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको देना है लाइम जूस, ठीक है, लाइम जूस आपको देना है कितना, 20 ml। क्यों? क्योंकि एप्पी फीस जो है ये बहुत मीठा है, वो भी मीठा है, शायद भी मीठा है, वो शायद भी मीठा है। तो इसको काटने के लिए थोड़ा सा लेमन जूस ज़्यादा देना है, तो 20 ml मैंने लेमन जूस दिया। और इसमें आपको वॉडका देना है, मगर उससे पहले मैं डालूँगा आइस, ये एक मिनट डाल दिया, और छोटा पीस और डालेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा मिलाएंगे, क्योंकि सेहत है नीचे, मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, तो हम लोग उसको आराम से मिलाएंगे। हाँ, मैं यहाँ पर बार स्पून यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहो तो रेगुलर स्पून भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है कि आपको बार स्पून यूज़ करना है। अभी जैसे मिल गया है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें वॉडका डालेंगे, और वॉडका हम लोग डालेंगे 60 ml, 60 ml, हाँ 60 ml वॉडका। अब थोड़ा सा और मिला लेंगे अगर शहद रह गया हो। अब इसमें हम लोग आइस भी ऐड कर सकते हैं, एक अब और एक आइस डालेंगे। कैसा लग रहा है आइस, है ना, देखने में सही अलग से लुक आ रहा है। हाँ, अभी इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो सिनेमन है इसको हम लोग जलाएंगे ऐसे। इसमें क्या होगा, जैसे ये जलने लगेंगे तो इसमें जो फ्लेवर है वो और एरोमास जो है वो और भी खुल के आएगा। तो हम लोग इसको जला के अंदर में डालेंगे। अगर सिनेमन सिरप आपके पास है, आप सिनेमन सिरप भी दे सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट को अलग कर देगा। सिनेमन नहीं है कोई बात नहीं, तो आप ऐसे ही डाल सकते हैं अंदर में। दादा सिनेमन का कोई पर्टिकुलर मेजरमेंट या नहीं? एक सिनेमन लेना है बस, ऐसे ही डाल देना है। अच्छा। तो जैसे मैं डाल दिया, तुम देखो कितना सुंदर सिनेमन का फ्लेवर है, बढ़िया से स्मेल आ रहा है। हाँ। अभी क्या है, इसमें टॉप अप कर रहे हैं एप्पी फीज से, और इसको खोलना है तो मैं एक नाइफ यूज करूंगा। अब इसको ऐसे टॉप अप कर देना, ठीक है। अब ये जैसे हो जाए तो थोड़ा स्टार कर लो, और ये ब्लैक पार्टिकल्स हैं, ये सिनेमन का ही है, बहुत अच्छा लगता है जब आपका आप जब सिप करोगे। अब इसमें गार्निश है, स्पेशल गार्निश, तो मैं वो दिखाऊंगा। अब गार्निश के तौर पे मैं यूज़ करूँगा ये एप्पल का टुकड़ा। अच्छा।
तीन एप्पल को मैंने काटा और एक छोटा सा पीन में डाल के मैंने डाल दिया और कॉकटेल तैयार है। देखने में सही लग रहा है ना एकदम, और ये घर में बनाने लायक भी है, बहुत सिंपल है। तो हो जाए ऐसी एक स्ट्रॉ दूँ या ऐसे सिप कर लोगे? सर ये स्ट्रॉ से नहीं जमेगा। ठीक है तो फिर ऐसे चलो स्टार्ट करते हैं। पहले एप्पल का टुकड़े को काट लो। एप्पल का ऐसे उठाऊं? हाँ उठाओ खा लो, एप्पल तो खाने लायक ही है। या अंदर में डाल सकते हो तुम, अगर चाहो तो अंदर में डाल दो। तो ये एक्चुअली ये अंदर में डाल दिया। हाँ। एक आप खाओ। ओफ हम खा लेते बताओ कैसा लगा? लग रहा है जन्नत आ चुका हूँ दादा। थैंक यू, जन्नत में पहुंच चुका हूँ। ये सब चीज जन्नत में मिलता है भाई। वर्क आउट तो खत्म हो गया। इधर तो जो धीरे धीरे इस बार नहीं चाहिए। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोशिश कीजिए ऐसा ही कॉकटेल कुछ घर में बनाने के लिए, और मुझे लिखिए कि आपको कैसा लगता है ये रेगुलर एक्सपेरिमेंट। कमेंट बॉक्स में जाइए जहाँ पर आप खुद अपना रेसिपी शेयर कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और गोल्डी इज़ अ एक्टर, ग्रेट एक्टर फ्रॉम बंगाली फिल्म इंडस्ट्री, जो अक्सर मुझे कंपनी देने के लिए आया था और फ्री का कॉकटेल पीने के लिए भी आया था। तो गोल्डी का भी लिंक है नीचे, चाहे तो आप गोल्डी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो गोल्डी कुछ कहना है? कुछ नहीं कहना है दोस्तों, आप लोग ये घर में ट्राई करो, जबरदस्त बनाए, सिंपल है। 70 रुपया में ये आप बना सकते हो घर में, सिर्फ 70 रुपया, और वो भी बाहर एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू वेरी सून विद अ न्यू कॉकटेल। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।